नमस्कार मित्रों, यह एक राजा की अद्भुत और जबरदस्त ज्ञानवर्धक कहानी है। किसी नगर में एक राजा रहता था। राजा बूढ़े होने को आ गया, पर उनके कोई पुत्र नहीं हुआ, सिर्फ एक पुत्री थी। एक दिन अचानक भगवान का नाम लेकर राजा ने यह निर्णय लिया कि कल सुबह जो भी हमारे दरवाजे पर आने वाला पहला व्यक्ति होगा, मैं अपनी बेटी का विवाह उससे कर दूंगा और अपना नया उत्तराधिकारी बना दूंगा। अगले दिन सुबह सुबह एक फटी पुरानी कमीज पहने एक लड़का दरवाजे पर दस्तक देता है। राजा ने प्रभु की इच्छा समझकर अपने निर्णय के अनुसार अपनी बेटी का विवाह उस युवक के साथ कर दिया और अपना सारा राजपाट उसे देकर पहाड़ों पर संन्यास को चले गए। अब ये नया राजा राजपाट के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करता। राज्य कैसे संभालना है, युद्ध में कैसे जाना है, क्या तैयारी होनी चाहिए ताकि बहुत अच्छा राजा साबित हो सके। नए राजा के संचालन में राज्य बहुत ही अच्छा चल रहा था। सारी प्रजा पुराने राजा की तारीफ कर रही थी कि क्या राजा चुना है महाराज ने। समस्त प्रजा के हमदर्द बनकर सदैव खड़े रहते हैं। यहाँ राज्य सभा के समस्त कमरे में समय समय पर सब आ जा सकते थे, लेकिन एक कमरे में सिर्फ राजा ही जाते थे। ये इस कोठरी में 10 से 15 दिन में जाते थे और किसी को भी इस कमरे में जाने की अनुमति नहीं थी, यहाँ तक कि रानी को भी नहीं। अब समस्त दरबारियों को यह जिज्ञासा हुई कि आखिर इस कमरे में ऐसा क्या है कि कोई उसके अंदर देख भी नहीं सकता। जानने की इच्छा सभी को थी, लेकिन कोई पूछ नहीं पा रहा था। फिर बड़ी हिम्मत करके वित्त मंत्री ने पूछा, माफ कीजिएगा राजा साहब, लेकिन आखिर इस कमरे में प्रवेश वर्जित क्यों है, क्या है इस कोठरी में। राजा ने उन्हें डांट दिया और कुछ नहीं बताया। कुछ दिन बाद सबने कहा कि अब सेनापति ही पूछ सकते हैं, इनकी बात राजा को माननी पड़ेगी। जब सेनापति राजा से कमरे के बारे में चर्चा करते हैं तो राजा उन्हें भी कुछ नहीं बताते। यहाँ सबके मन में एक ही विचार आ रहा था कि अब रानी ही है जो इस जिज्ञासा को समाप्त कर सकती है। सबने रानी से कहा कि आखिर इस कमरे में ऐसा क्या है जो महाराज आपको भी जाने की अनुमति नहीं देते, फिर क्या था। रानी ने तो एकदम जिद पकड़ ली कि अब तो मुझे जानना ही है। राजा के बहुत समझाने के बावजूद भी जब रानी नहीं मानी तो राजा उन्हें ले गए और कमरे का दरवाजा खोला। कमरे में देखा तो उसमें कुछ भी नहीं था, एक फटी कमीज और कुछ फटे कपड़े टंगे थे। यह देखकर सभी हैरान थे तो राजा ने बताया कि मैं अपनी शुरुआत को याद करने के लिए यहाँ आता हूँ। मुझे जब कभी यह अहंकार हो जाता है कि मैं राजा हूँ, मैं इस राज्य का सम्राट हूँ, मैं ही सबसे बढ़िया हूँ, तो यहाँ आ जाता हूँ, आधे घंटे बैठा रहता हूँ, अपने शुरुआत को याद करता हूँ और अपने आप को बताता हूँ कि मैं यही था, यही मेरी शुरुआत थी। वो तो पुराने महाराज का शुक्र मनाओ कि मुझे राजा बना दिया। थोड़ी देर के बाद जब अहंकार टूट जाता है तो साफ और सच्चे मन से बाहर आ जाता हूँ और अपनी प्रजा की सेवा में लग जाता हूँ। तो साथियों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर जिंदगी में आपको कभी भी घमंड हो जाए, आप अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ मानने लगो, आपको लगता है कि मेरे जैसा कोई नहीं, तो अपने शुरुआत को याद करो, अपनी पुरानी जिंदगी को याद करो, आप सरल होने लगेंगे, विनम्र होने लगेंगे, जमीन से जुड़ा हुआ महसूस करने लगेंगे। तो साथियों, हम उम्मीद करते हैं आज की ये छोटी सी कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। तो साथियों, हम आपसे मिलेंगे इसी तरीके की और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।